बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8 फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। आज हम स्टडी करेंगे हम कैसे अनलाइक डिनोमिनेटर या अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे प्लस करेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आज का हमारा टॉपिक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, हम दो अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आप याद रखिए, वी कैन मेक लाइक डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस by multiplying the numerator and denominator of each fraction by the denominator of the other fraction। अगर आपको याद हो, हमने ascending, descending and compare like and unlike fraction में जो method किया था, वही मेथड हम फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करेंगे कि पहले हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को लाइक में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, हमारे पास अनलाइक है ना, अनलाइक फ्रैक्शन वो है जिसकी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो एक दूसरे से, एंड लाइक वो है जब जब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम कहेंगे लाइक, एंड जब डिफरेंट हो तो वो होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये दोनों क्या है, अनलाइक है। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक में। लाइक के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लेते हैं डिनोमिनेटर जो दोनों डिफरेंट होते हैं। अब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। दोनों फ्रैक्शन को हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमने एडिशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम। अनलाइक फ्रैक्शन को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए हम पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे 4 और 6। किस चीज का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का हम लेंगे एलसीएम। 4 और 6। ओके, अब यहां पे हम 2 से करेंगे, 2 2s are 4। 2 की टेबल में 3 आता है, यस, 2 3s are 6। दोबारा 2 से, 2 1s are 2, एंड यहां पे आएगा 3। नेक्स्ट है 3 1s are 3। LCM is equal to 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। पहले हमने क्या किया, इन 2 को मल्टीप्लाई किया, उससे आया 4, फिर 4 × 3 = 12। सो LCM ऑफ 4 और 6 इज 12। क्या एलसीएम आया, 12। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन जो 3/4 है एंड 5/6 है, इसकी डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन है 3/4, ठीक है, एंड सेकेंड वन है 5/6। ओके, हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम 12 आया है।
अब हमने दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। दोनों डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ऐसा नंबर लेंगे, अगर हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे 12 आएगा, अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर 4 के टेबल में 12 आता है। यस, 4 3s are 12। अब हमने ये नंबर जो नीचे मल्टीप्लाई किया है ये हम ऊपर भी करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में सेम नंबर होगा। अब 6 का टेबल पढ़े, 6 के टेबल में 12 आता है। यस, 6 6 2s are 12। तो हमने 12 2 नीचे भी किया है एंड 2 हम ऊपर भी करेंगे। सेम नंबर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट है 3 3s are 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12 प्लस 5 2s are 10, 6 2s are 12। अब ये क्या है, दिस इज लाइक फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज 9 प्लस 10 एंड डिनोमिनेटर को हमने 1 टाइम लेना है। डिनोमिनेटर आर सेम तो हम इसको 1 टाइम लेंगे एंड न्यूमिनेटर को हम प्लस करेंगे। ठीक है, ओके, 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19 एंड 12 इज डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आया है 19 बाय 12, तो 19 बाय 12 कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। ठीक है, तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ साइड पे हम कन्वर्ट करेंगे 19 एंड 12 इज डिवाइजर, 12 वन्स आर 12। ओके, 9 माइनस 2 7 और यहाँ पे आएगा 0। आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये बन जाता है होल नंबर, डिवाइजर, डिनोमिनेटर एंड रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 1 होल 7 बाय 12, 1 होल 7 बाय 12। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर आता है तो हम इसको फिर मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिला है, इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो पहले हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 12 आया है। हमने इस डिनोमिनेटर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 12 आए, 4 3s are 12 आता है, तो 3 हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है 6 2s are 12, तो 12 2 जो है वो हमने डिनोमिनेटर में भी किया है एंड न्यूमरेटर में भी किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से 3 3s are 9 एंड 12, 5 2s are 10, 6 2s are 12। हमारे पास ये आया लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन के बाद हमने दोनों न्यूमरेटर को प्लस करना है, न्यूमरेटर को प्लस किया है तो यहाँ से आया 19 बाय 12। अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में, तो इस मेथड से हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया है। एंड में फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, अब बुक ओपन करें, पेज 81, एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने ये सॉल्व करना है, दो फ्रैक्शन है उसको ऐड करना है और दोनों क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। इसी तरह पार्ट 2, 3, 4 एंड 5।
सबके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। अभी जो हमने एग्जांपल किया है इसी मेथड से सारे सॉल्व करने हैं। पहले हम करेंगे पार्ट वन, 3/4 प्लस 1/2। पहले हम जाएंगे डिटेल पेज की तरफ। डिटेल पेज है एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है 1 to 6 एंड पेज है 81। हमने सारे क्वेश्चंस इसमें जितने पार्ट्स है वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे पार्ट वन की तरफ। ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पेज 81 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 इज 3/4 प्लस 1/5। राइट डाउन सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें, ठीक है। ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। दोनों की डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे 4 and 5। किस चीज़ का हम एलसीएम लेंगे, 4 and 5 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 and 5। स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम 2 से करेंगे। 2 2s are 4, 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 अपनी जगह पे होगा। फिर 2 1s are 2 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी 5। फिर 5 1s are 5। एलसीएम इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 5। 2 2s are 4, 4 5s are 20। सो एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। हम पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे है 3/4 प्लस 1/5। ओके, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 3/4 एंड 1/5। पहले हमने इस 4 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 20 आए एंड 5 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 20 आए। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5s are 20। तो हम 5 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी करेंगे एंड 5 न्यूमरेटर में भी करेंगे। अगर हम दूसरे फ्रैक्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पे है 1/5, 5 4s are 20, तो 4 न्यूमरेटर में भी होगा एंड डिनोमिनेटर में भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 5s are 15, 4 5s are 20 प्लस 1 4s are 4, 5 4s are 20। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे बिकॉज इसकी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अब हमने न्यूमरेटर को प्लस करना है, 15 plus 4 divided by 20। डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम देंगे। अब 15 plus 4 is equal to 19, 19/20। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो वही हमारे पास आंसर होगा। अब पूरा क्वेश्चन देखिए दोबारा। पहले हमने क्या किया है, 4 and 5 का एलसीएम लिया है। एलसीएम से आया है 20, एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20। फिर हमने क्या करना है कि ये जो दो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 20 आए। तो हमने यहाँ पे 4 5s are किया है एंड यहाँ पे 5 4s are किया है, ठीक है। जो नंबर हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, 3 5s are 15, 1 4s are 4, 4 5s are 20,
फाइव फोर्स आर 20। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, लाइक में कन्वर्ट किया है हमने। अब 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, 19 बाई 20। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 19 बाई 20। इसके बाद फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। एंड में फिनिशिंग लाइन दिस इज पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 पेज 81। नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। पार्ट 2 है 1/2 प्लस 5/8। राइट डाउन सॉल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें। अब हमने 2 एंड 8 का एलसीएम लेना है। यहाँ पे 2, 8। अब 2 का टेबल पढ़ें, 2 1s are 2, 2 4s are 8। फिर 2 से करेंगे 1 अपनी जगह पे, 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2। यहाँ पे हम लेंगे LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, 4 2s are 8। LCM क्या आया है, LCM ऑफ 2 एंड 8 इज 8। LCM क्या आया है, 8 आया है। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 एंड सेकेंड है 5/8। अब 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 8 आ जाए, और 8 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 8 आ जाए। तो यहाँ पे हम 2 4s are 8, 4 ऊपर और नीचे करेंगे पे, 8 1s are 8, 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 1 4s are 4, 2 4s are 8 प्लस 5 1s are 5, 8 1s are 8। कन्वर्ट हो गया ये लाइक फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि न्यूमिरेटर को प्लस करना है, 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 8। 4 प्लस 5 बाय 8, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 बाय 8। ओके अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, 9 बाय 8 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। सो यहाँ पे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे 8 1s are 8, 9 minus 8 is equal to 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन जो है वो होल नंबर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। 8 जो है वो डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर एंड रिमाइंडर जो है वो न्यूमिरेटर बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन जो है वो 1 है तो वो हम होल में लिखेंगे, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो न्यूमिरेटर में जाएगा एंड 8 जो है डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होता। सो दिस इज आंसर। दोबारा देखें, पहले हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 इज इक्वल टू 8। फिर हमने डिनोमिनेटर को सेम किया है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया है और वही 4 हमने न्यूमिरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 8 1s are and 5 1s are 5, यहाँ पे आएगा 4 by 8 and 5 by 8। ठीक है, 4 plus 5 is equal to 9, तो यहाँ पे आया 9 by 8। अब 9 by 8 जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। ये हमने कन्वर्ट किया है और उसके बाद फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
okay, move toward next part. Okay, अब हम आएंगे part 3 की तरफ. Part 3 है 2/3 + 3/5. Write down solution question को repeat करें. पहले हमने क्या करना है, पहले हमने LCM लेना है 3 and 5 का. तो यहाँ पे हम LCM लेंगे. LCM हम क्यों लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी 5. 3 एंड 5 इज प्राइम नंबर, तो ये हम क्या करेंगे, इटसेल्फ से करेंगे. पहले मैं 3 करूंगी, 3 वंस आर 3 एंड फिर 5, 5 वंस आर 5. सो 5 वंस आर 5. ओके, अब हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5. 3 5s आर 15. LCM ऑफ 3 एंड 5 इज 15. ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने जो दो फ्रैक्शन है 2/3 एंड 3/5, इसकी डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो हम इसको सेम करेंगे, लाइक में कन्वर्ट करेंगे. लाइक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 है, इससे हमने बनाना है 15, तो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 3 5s आर 15 और ये 5 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे है 5, सो 5 3s आर 15 और ये 3 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ. नेक्स्ट स्टेप है 2 5s आर 10 एंड 3 5s आर 15 प्लस 3 3s आर 9 एंड 5 3s आर 15. अब ये कन्वर्ट किया है लाइक में, अब दोनों को हम प्लस कर सकते हैं. 10 प्लस 9 एंड 15 को लेना है वन टाइम. 10 प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 15. ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास, 19/15. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, और जब डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में. यहाँ पे हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 19 एंड यहाँ पे आएगा 15. 15 वंस आर 15. ओके, 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4. अब हम इसको कैसे लिखेंगे, वन होल 4/15. क्वेश्चन बन जाता है होल नंबर एंड डिवाइजर बन जाता है डिनोमिनेटर एंड रिमाइंडर बन जाता है न्यूमरेटर. ठीक है, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. दोबारा देखिए स्टार्ट से. पहले हमारे पास है 2/3 + 3/5. LCM लिया है, LCM से आया है 15. LCM ऑफ 3 एंड 5 इज 15. अब दोनों फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है लाइक में, तो 3 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 15 आए एंड 5 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 15 आए. जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमने ऊपर भी करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे भी 3 एंड 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 5s आर 10, 3 5s आर 15, 3 3s आर 9, 5 3s आर 15. ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर ली तो 10/15 एंड 9/15 आया है. फिर 10 प्लस 9 प्लस किया है तो उससे आया 19/15. अब 19/15 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने बाय डिवीजन मेथड जो है मिक्स्ड में कन्वर्ट किया है.
यहाँ पे हमारे पास जो वन आया है क्वेश्चन वो होल बन गया, जो 15 है डिवाइजर तो वो डिनोमिनेटर, एंड जो रिमाइंडर है 4 वो बन गया न्यूमरेटर, एंड मैं फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3, पेज 81, एंड में फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। ओके, अब अपना होमवर्क जो है वो नोट करें। 3 पार्ट्स हमने कर लिए, अब 2 पार्ट्स जो है वो आप खुद सॉल्व करें। डू एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एंड 5 पेज जो है 81, और ये आपने सारा काम जो है रफ कॉपी में करना है। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमने 3 पार्ट्स कर लिए एंड 2 पार्ट्स जो है वो आपको मैंने होमवर्क में दिए है। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।